जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की टीम को लगा एक और झटका रैना के बाद, हरभजन सिंह भी इस कारण के चलते हुए आईपीएल से बाहर। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार हरभजन सिंह जो आईपीएल के इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, उसके पीछे क्या बड़ी वजह निकल कर आ रही है उसी के बारे में। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा और ये बहुत बड़ी अपडेट है। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएसके की टीम को आईपीएल से पहले हुआ ये फायदा। तो ऐसे में दोस्तों एक तरफ सीएसके की टीम को झटका मिला और दूसरी तरफ क्या उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है उसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि सुरेश रैना के बाद सीएसके का अगला उपकप्तान कौन होगा, फ्रेंचाइजी ने दिया हैरान करने वाला जवाब। तो इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी सुरेश रैना, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है और इस बीच चेन्नई सुपर किंग की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि इस महामारी के बाद एक एक करके टीम के स्टार खिलाड़ी आईपीएल के मौजूदा सीजन नहीं खेलने का फैसला करते चले जा रहे हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सुरेश रैना ने भी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग टीम का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सीएसके की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और अब ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह भी आईपीएल के 13वें सीजन से बाहर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, इस बार आईपीएल 2020 के जो मुकाबले होंगे उसमें आप सभी को हरभजन सिंह खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। दरअसल यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम का एक चेपुक में 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगा था, जहां पर हरभजन सिंह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वहां नहीं पहुंचे थे। और वहीं हम आपको बता, जहां रविंद्र जडेजा टीम के साथ यूएई पहुंचे तो वहीं हरभजन सिंह भारत में ही थे। लेकिन उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि हरभजन सिंह हम सभी को दुबई जाते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ दिन ज्यादा हो गए। उसके बाद सीएसके की फ्रेंचाइजी ने भी हरभजन सिंह को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और वहां पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि वो आईपीएल खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो इसको लेकर असमंजस सा तो था, लेकिन दोस्तों अब हरभजन सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अब आईपीएल 2020 का टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले हैं। तो ऐसे में रैना और हरभजन दोनों के सीएसके टीम में ना होने की वजह से सीएसके की टीम को काफी मुश्किलों का सामना इस बार करना पड़ेगा। दरअसल सुरेश रैना टीम में नंबर 3 पर नियमित बल्लेबाजी करते थे और मिस्टर आईपीएल भी कहलाए जाते थे। और वहीं हरभजन सिंह की बात करें तो वो एक स्टार खिलाड़ी में शुमार थे। और वहीं पिछले सीजन में भज्जी ने 16 विकेट हासिल किए थे और वह पर्पल कैप की रेस में भी शामिल थे। तो ऐसे में सीएसके की टीम को ये दो बड़े खिलाड़ियों को गंवाना काफी महंगा इस बार पड़ सकता है। तो वही हम आपको बताएं कि हरभजन सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताते हुए कहा है कि वो इस साल आईपीएल में ना खेलने का फैसला कर रहे हैं और वो ये फैसला अपने निजी कारणों के चलते कर रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि हरभजन सिंह की फैमिली में किसी की तबीयत काफी दिनों से खराब है, लेकिन हरभजन सिंह ने आखिरकार इसके बारे में नहीं बताया। और जैसी कोई बड़ी अपडेट और खबर हमें मिलेगी हम आपको तुरंत आरएस न्यूज पर अपडेट कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप भी मानते हो हरभजन सिंह के ना होने से टीम में काफी बड़ा झटका लगेगा सीएसके की टीम को या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग हाल ही में किए गए सभी खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब शुक्रवार से फिर से ट्रेनिंग शुरू करेगी। दरअसल इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने IANS से पुष्टि करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का गुरुवार को तीसरे राउंड का टेस्ट किया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ऐसे में अब शुक्रवार शाम से फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे वो सभी। तो वही हम आपको बता दें, गौरतलब ये है कि पिछले सप्ताह की चेन्नई सुपर किंग के 2 खिलाड़ी और 11 अन्य सदस्य की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण टीम ने खुद को अपने आप को आइसोलेट करा था। और 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरे करने के बाद खिलाड़ियों का फिर से टेस्ट होगा। तो वही हम आपको बता दें कि मैदान पर ट्रेनिंग शुरू करने के लिए लौटने से पहले उनका 2 बार कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आना जरूरी था, जिसके चलते अब ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। और अब चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से हम सभी को महेंद्र सिंह धोनी और बाकी सभी खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे अभ्यास सत्र के दौरान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, सुरेश रैना के बाद अब सीएसके का अगला उपकप्तान कौन होगा, फ्रेंचाइजी ने दिया हैरान करने वाला जवाब। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना ने आईपीएल के 13वें सीजन में अचानक से नहीं खेलने का फैसला किया और इसके चलते हर कोई हैरान रह गया। तो वही हम आपको बताएं कि रैना ना सिर्फ टीम के स्टार बल्लेबाज हैं और बल्कि उपकप्तान
फैन भी है। तो वही रहना कि इस तरह से सीएसके कैंप को छोड़ने के बाद कई बातें सामने आई कि उनके और टीम के बीच में कुछ ठीक नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। लेकिन दोस्तों अब फाइनल हो चुका है कि इस बार सुरेश रैना सीएसके की टीम में नहीं खेलेंगे। लेकिन इसी के चलते अब लोगों के अंदर कयास था कि आखिरकार सीएसके की टीम का अब उपकप्तान किसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर भी जो असमंजस था वो भी सॉल्व हो चुका है। दरअसल हम आपको बताएं कि एक फैन ने अपने ट्विटर के जरिए सीएसके को टैग किया और उनसे मैसेज करते हुए पूछा अब हमारा उपकप्तान कौन होगा। तो इस फैन के ट्वीट का जवाब सीएसके ने बेहद मजेदार तरीके से दिया। सीएसके ने लिखा जैसा कि आप सभी स्क्रीन के सामने देख सकते हो और इसका हम आपको मतलब बताएं, इसका मतलब होता है आप क्यों डर रहे हैं जब आपकी टीम के कप्तान मौजूद हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सीएसके की टीम का सीधा इशारा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर था। बाकी आपकी क्या राय है, क्या उपकप्तान जरूरी है महेंद्र सिंह धोनी के होते हुए या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सुरेश रैना के अचानक से आईपीएल से नाम वापस लेने के बाद चेन्नई सुपर किंग मैनेजमेंट और रैना के बीच विवाद की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि श्रीनिवासन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये साफ किया था कि रैना और उनके बीच में कोई अनबन नहीं है। साथ ही रैना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनके पारिवारिक हालात ठीक हो गए तो वो शायद आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे। तो वही हम आपको बताएं, सुरेश रैना जब चेन्नई सुपर किंग की टीम को छोड़कर भारत लौटे थे तो सुरेश रैना ने कहा था कि मैं वापस से सीएसके के कैंप से जुड़ सकता हूँ। सुरेश रैना ने ये भी कहा था कि श्रीनिवासन जी मेरे पिता के तुल्य हैं और कोई भी पिता अपने बेटे को डांट सकता है। इसके अलावा सुरेश रैना ने बोला था मैं अपने परिवार को लेकर चिंतित था, 20 दिन से मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा था, मेरा परिवार मेरे लिए काफी अहमियत रखता है, इसलिए मैं आईपीएल छोड़कर भारत आ गया, लेकिन यह भी हो सकता है कि मैं वापस आप सभी को सीएसके के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दूं। तो ऐसे में दोस्तों आईपीएल के शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग के कुछ खिलाड़ी संक्रमित पाए गए थे, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, लेकिन इस वजह से टीम की ट्रेनिंग शुरू होने का जो समय था वो काफी बढ़ गया। तो ऐसे में दोस्तों सुरेश रैना तो कह रहे हैं कि वो आईपीएल में वापस आएंगे, लेकिन इसको लेकर अब एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात पता चली है कि रैना ने जैसे ही आईपीएल छोड़कर भारत जाने का मन बनाया तो रैना को चेन्नई सुपर किंग्स टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकाल दिया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार रैना ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने के बाद टीम मैनेजमेंट से बात की और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि जैसे ही रैना को सीएसके के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया वैसे ही उन्होंने टीम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की और यहां तक कि उन्होंने सीईओ काशी विश्वनाथ और कप्तान एमएस धोनी और कुछ स्टीफन फ्लेमिंग से टीम में वापस आने के लिए गुहार की, तो किसी भी खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रैना टीम में वापसी कर सकते हैं और इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की टीम के साथ वो हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों रैना को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करना सीएसके का एक काफी बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि सीएसके नहीं चाहता होगा कि जो भी अंदरूनी बात है वो किसी और खिलाड़ी को पता चले जो उस टीम का खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसे में निकाल कर सीएसके के मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही किया या फिर रैना को अब टीम में वापसी कर लेनी चाहिए, आप अपनी कीमती राय और विचार में नीचे कमेंट में जरूर। वापसी को लेकर एन श्रीनिवासन ने एक बड़ा बयान दिया। एन श्रीनिवासन ने कहा कि सुरेश रैना की टीम में वापसी में मेरा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सुरेश रैना को अपने बेटे की तरह माना है, चेन्नई सुपर किंग में उन्हें वापस लाना मेरे क्षेत्र में नहीं है, टीम के मामले में मैंने कभी भी टांग नहीं अड़ाई। सुरेश रैना के उस बयान के बाद श्रीनिवासन ने प्रतिक्रियाएं दी हैं जिसमें उन्होंने कहा था मुझे आप सीएसके के कैंप में वापस देख सकते हो। तो न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत की है, मेरे क्षेत्र में नहीं है, हमारा टीम का मालिकाना हक है लेकिन खिलाड़ियों का नहीं, कौन खेलेगा मैं इसमें क्यों हस्तक्षेप करूं। तो दोस्तों कुछ ऐसा कहना है एन श्रीनिवासन का सुरेश रैना की वापसी को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अगर सुरेश रैना टीम में वापस आना चाहेंगे तो एन श्रीनिवासन उन्होंने अपनाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईपीएल 2013 में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष ने कहा आईपीएल अपने तय समय पर होगा। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने बुधवार को साफ कर दिया कि आईपीएल की, तो वही उन्होंने कहा चेन्नई सुपर किंग्स के 13 लोगों के पॉजिटिव निकलने के बाद आईपीएल के आयोजन पर सवाल खड़े होने लगे थे और कहा जाने लगा था कि यूएई में इस टूर्नामेंट रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन धूमल ने हालांकि कहा है कि यूएई में सब कुछ ठीक है और टूर्नामेंट तय समय पर ही होगा। और धूमल ने आईएएनएस से बात करते हुए बोला कि उन सभी के टेस्ट अब नेगेटिव आए हैं, आईपीएल अपने तय कार्यक्रम पर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, खिलाड़ी इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी।